सभापति जी सदन को आज यह विचार करना पड़ेगा कि जब भी किसान अपनी फसल का भरपूर उत्पादन करे तो सरकार उसे पूरा संरक्षण प्रदान करे। पहले तो किसान उत्पादन करके आर्थिक दुर्दशा में फंसता है, उस पर सरकार संरक्षण प्रदान नहीं करती है। दुनिया के हर देश में चाहे माल समुद्र में फेंक दिया जाए, किसान का आर्थिक शोषण वहां सहन नहीं किया जाता है, लेकिन यहां अधिक पैदा करने पर उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाती है। उसका विपरीत असर यह पड़ता है कि आगे आने वाले समय में उत्पादन कम हो जाता है। मैं गन्ने का एक उदाहरण देना चाहूँगा। 1991 में जब गन्ना किसान की आर्थिक दुर्दशा हो गई, उस समय सरकार चीनी का निर्यात कर रही थी। सरकार की आर्थिक तंगी के कारण किसान का फसल चक्र बिगड़ जाता है तो उत्पादन गिर जाता है। 1994 में इस देश को फिर चीनी का आयात करना पड़ा था। चीनी का ही मामला नहीं है, हर तरफ यही मामला है, इसे रोकना होगा। अभी प्याज के मामले में महाराष्ट्र में आंदोलन चला था। 1994 में प्याज सड़ गया, जिससे प्याज के भाव काफी ऊंचे हो गए। इसका क्या कारण है? जिस वर्ष किसान अपनी फसल का बहुत अधिक उत्पादन करता है, उस साल अगर सरकार उसका संरक्षण कर उसका आर्थिक शोषण रोक दे तो यह देश कहीं का कहीं चला जाएगा। इससे किसानों को न आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी और किसान की उपज का हर वर्ष निर्यात भी होगा। देश की अर्थव्यवस्था को किसान ही बदल सकता है। क्या राज्य सरकारें पहले टैक्स नहीं लेती थी? आज हर राज्य के बॉर्डर पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगले वर्ष तक सार्क देशों से 1500 वस्तुएं देश में आने के लिए सभी पाबंदियां समाप्त की जाने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी पाबंदी लगी है। कहीं मंडी परिषद के नाम पर, कहीं व्यापार कर के नाम पर कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी उपज नहीं ले जा सकता। माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैंने नियम 377 के अधीन एक विषय उठाया था कि किसान को अपनी उपज तथा उस पर आधारित उत्पादों को पूरे भारत में लेकर जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पान को छोड़कर सभी जगह स्वतंत्रता है।